हेलो एवरी वन वेलकम टू एडियो फंड डे आई एम योर मैंटर ऑफ फिजिक्स एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ मोशन इन ए प्लेन जिसमें हम लोग वैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे देन सब ऑफ फैक्टर इज आवर न्यू टॉपिक तो चलिए शुरू करते हैं सप्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर द प्रोसेस ऑफ सप्ट्रेक्टिंग वन वैक्टर फ्रॉम अनदर इज इक्वलेंट टू एडिंग द नेगेटिव वैक्टर टू द फर्स्ट वैक्टर तो ये क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली एक पॉजिटिव वेक्टर में किसी नेगेटिव वेक्टर में जो को जोड़ने का प्रोसेस ही है तो देखिए अगर हम लोग बोले पी एंड क्यू बी टू वैक्टर्स आर शोन इन फिगर लेट ए वैक्टर माइनस क्यू बी एडेड टू वैक्टर पी बाय द लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन देर रिजल्टेंट गिवज द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू यानी कि लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन से अगर मैं किसी वैक्टर पी में किसी वेक्टर माइनस क्यू को जोड़ूंगा तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज पी माइनस वैक्टर पी माइनस वैक्टर क्यू आएगा यानी कि सब ऑफ वैक्टर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है दैट वैक्टर पी माइनस वैक्टर क्यू बेसिकली इक्वल्स टू वैक्टर पी प्लस माइनस वैक्टर क्यू यहाँ पर वैक्टर पी इस तरीके से दिखाया है और वैक्टर क्यू जो है उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ पर शो की गई है तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको वेक्टर पी और इसको वेक्टर क्यू बोलू तो वेक्टर पी माइनस क्यू इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ये वेक्टर पी है ये वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट जो है वो पी माइनस क्यू हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर ये पी और क्यू के बीच में एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा वन एटी माइनस थीटा यानी कि क्यू का नेगेटिव वेक्टर सो दिस इज प्लस क्यू वेक्टर नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस क्यू इज रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कोस थीटा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको हम लोगों ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया एस इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कोस्टा और इसके बिहावर पर जो एल्फा हो जाएगा वहाँ पर जितने भी एल्फा थे जिसमें एल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा था अब की बात में साइन थीटा की सभी वैल्यूज की जगह पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे वन एट्टी डिग्री माइनस थीटा सब्ट्रैक्शन देन टेन एल्फा विल बी क्यू साइन थीटा अपॉन पी माइनस क्यू कोस थीटा अब हम लोग लॉज ऑफ वैक्टर सब्ट्रक्शन देखें द वक्टर सब्ट्रेक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लोग यानी कि वैक्टर सब्ट्रक्शन जो है कम्यूटेटिव लोग को फॉलो नहीं कर सकता जिसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है p वक्टर p माइनस वैक्टर q दैट विल बी डज नॉट इक्वल्स टू वक्टर q माइनस वक्टर p लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्ट p माइनस वैक्टर q दैट विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर q माइनस वैक्टर p वैक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लो वैक्टर सब्ट्रेक्शन जो है एसोसिएटिव लो को भी फॉलो नहीं करता यानी कि वैक्टर पी माइनस क्यू माइनस आर वैक्टर क्यू माइनस आर दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू वैक्टर पी माइनस वैक्टर क्यू माइनस वैक्टर आर नाउ हम लोग बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स के बारे में रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर इंटू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट द गिवन वैक्टर कैन बी स्प्लिट अप इंटू टू और मोर कॉम्पोनेंट दैट द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ दिस कॉम्पोनेंट इज सेम एज द ओरिजिनल वैक्टर कि हम किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं और अगर इन दोनों कंपोनेंट को हम कंबाइंड uh, करेंगे तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ओरिजिनल वेक्टर के समान ही होगा अज्यूम करते हैं जैसे R एक वेक्टर है द कम्पोनेंट कैन बी फाउंड एट एनी रिक्वायर्ड एंगल बट इफ दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट देखिए किसी भी वैक्टर के जो दो कॉम्पोनेंट है वो किसी भी एंगल पे हो सकते हैं लेकिन अगर वो दोनों कॉम्पोनेंट रेक्टेंगुलर राइट एंगल पे है तो हम लोग उन कॉम्पोनेंट्स को बोलेंगे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेट जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है नाउ यहाँ पर हमने आर के दो वैक्टर किए एक्स एक्सिस पे, Rx एक पे एक आर एक्स और वाई एक्सिस पे आर वाई कंसिडर ये वैक्टर आर ओ सी ओ सी एक वैक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं जिसको आर हम लोगों से रिप्रेजेंट किया स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ओ ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन फिगर इस तरीके से और यहाँ पर ये ओ एक्स जो है इसका एक कॉम्पोनेंट है आर एक्स और ओ वाई कॉम्पोनेंट है आर वाई देन ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू मीट एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी इस तरीके से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रो किया जैसे सी से एक परपेंडिकुलर ए पे मिल रहा है एक्स एक्सिस पे और सी से एक वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर जो बी पे मिल रहा है आर एक्स की जो वैल्यू है वो ओ ए के इक्वल है और आर वाई की भी जो वैल्यू है वो बी के इक्वल है आर द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ आर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली बाय द पेलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर हम लोग कह सकते हैं दैट इक्वल्स टू प्लस यानी कि आर की जो वैल्यू है वो आर एक्स आई के प्लस आर वाई जेके एफ के इक्वल है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे दैट को थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर को थीटा हो जाएगा आर एक्स अपोन आर आर एक्स अपोन आर कैसे को थीटा क्या होता है बेस अपोन हाइपोटी आर एक्स अपोन आर और आर एक्स की वैल्यू हो गई आर कोस थीटा के इक्वल दिस इज इक्वेशन वन और साइन थीटा हो जाएगा इसी तरीके से आर वाई अपन आर और आर वाई की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा दिस इज इक्वेशन टू अब हम लोग स्क्वायर करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी विल्वस टू आर स्क्वायर कोश स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या R square cos square bracket, तो R की आ गई स्क्वायर कोश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो so, इससे आर की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर यानी इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर के इक्वल तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो होगी वो किस तरीके से दी जाएगी इक्वेशन टू को हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्वेशन वन से यानी कि हम लोग लिखेंगे दैट आर वाई अपॉन आर एक्स दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यानी कि आर वाईस आर वाई अपॉन आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स अगर इसी तरीके से हम लोग थ्री डायमेंशन में बात करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरीके से दिया जाएगा वो होगा आर एक्स आर इक्व टू आर एक्स आई के प्लस आर वाई जे के प्लस आर जेड के के नाउ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड होगा रूट आर इक्वस टू रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ ए वैक्टर देखेंगे देन ए यूनिट वैक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वैक्टर तो वैक्टर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड इन टू डायरेक्शन यानी कि वेक्टर ए जो हो जाएगा देखिए ए कैप क्या होता था ए कैप होता था गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ़ गिवन मैग्ट्यूडर एग्निट्यूड इन टू डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इक्वल्स टू गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ये हम लोग जानते हैं कैप क्या हो जाएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड नाउ लामीज थ्योरम लामेश्वरम क्या कहती है अब हम लोग ये देखते हैं इफ थ्री को प्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ए पॉइंट इन इक्विबीरियम देन ईच फोर्स इज प्रपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू अदर फोर्स देखिए अगर किसी कोप्लेनर में इक्विबीरियम में तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर तो जो हर एक फोर्स होगा वो होगा दो फोर्सेज के बीच का जो एंगल है उनके प्रोपोर्शनल। देखिए यहाँ पर जो तीन फोर्सेज एक पॉइंट पर किस तरीके से क्या कर रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं और ये अगर इक्लिबीरियम में है तो एफ वन जो है एफ वन अपॉन साइन एल्फा इसकी जो वैल्यू होगी एफ टू अपॉन साइन बीटा और इसकी और एफ थ्री अपॉन साइन गामा इन तीनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी ये है लामी स्टोरम अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन कोसाइंस की देन द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एंड एन ऑफ ए वैक्टर आर द कोसाइन ऑफ एंगल एल्फा बीटा एंड गामा विच गि विच ए गिवन वैक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस देखिए जो डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन ये है कोसाइन ऑफ एंगल एल्फा बीटा और गामा का कोसाइन है जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनते हैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस में तो यहाँ पर एक्स और ये जो वाई और जेड है इनको आई केफ के के आई केफ जे केप और के केफ से दिखाया गया है और इनके बीच के जो एंगल दिखाए गए हैं अल्फा, बीटा और गामा दिखाया गया है एक्स एक्सिस से जो एल्फ एंगल बनाया दैट इज़ एल्फ़ा और वाई एक्सिस से जो एंगल बनाया दैट इज़ बीटा और जेड एक्सिस से जो एल्फ एंगल बनाया दैट इज गामा तो इनके जो कोसाइन हो जाएंगे वो हो जाएंगे अल्फा कोस बीटा एंड कोस ये है डायरेक्शन कोसाइन तो यहां पर एल की वैल्यू हो जाएगी अल्फा यानी कि एक्स अपोने सिमिलरली एम की वैल्यू हो जाएगी कोस बीटा मींस ए वाई अपोने और एन की वैल्यू हो जाएगी कोस गामा दैट इज ए जेड अपन ए अगर स्क्वायर करके इनको ऐड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क् एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्ट इज इक्वस टू एस स्क्र अपन ए स्क्तर प्लस स्क्वायर अपॉन ए प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर तो एक्स स्क् प्लस ए वाई स्क्वायर एजेड ए है तो इन तीनों को अपर लिमिट में जोड़ेंगे तो ए स्क् ए स्क्वायर दैट इज इक्व टू वन और कोस स्क् एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ गई वन और इसी से साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू thank you for watching a different day